नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहां मौजूद हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर राजस्थान संविदा सहायक रेडियोग्राफर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या कारण है इस धरना प्रदर्शन के पीछे। नमस्कार मैम, मेरा नाम गोविंद कुमार शर्मा है। मैं संविदा सहायक रेडियोग्राफर पर 2013 से काम कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी द्वारा ये जन कल्याण में ये योजना चालू की गई थी। हमारे साथ जो एलटी लगे हुए थे उनको तो अदर पोस्ट पे, प्रयोगशाला सहायक पे परमानेंट कर दिया गया है। हमको आज तक कुछ भी नहीं किया गया। हमारे साथ दो बात कर रहे, विभाग भी हमारे साथ दो बात कर रहा है, हमको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। बार बार नियम संशोधन किए जा रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। बाकायदा कोर्ट का रिट आ गया, उसके बाद भी अनुभव के आधार पर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते। वो प्रयोगशाला सहायक को इनको नौकरी दे रहे हैं। हमारे बंदों को धीरे धीरे करके सबको उठाया जा रहा है। हम 4-5 हज़ार बंदे 5-5, 7-7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं। पिछले 2013 से काम कर रहे हैं। हम हेवी रेडिएशन जोन में, जो कि बहुत ही खतरनाक जोन है, उसमें काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार नहीं सुन रही है। अधिकारी भी बार बार ये बोलते हैं कि करेंगे करेंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं। हमारी फाइल जो डार्क होम असिस्टेंट की, वो भी बंद कर दी। हमारी असली मांग ये है कि जो आगामी सहायक रेडियोग्राफर की जो भर्ती आ रही है 800 पद की, उसके अंदर कुछ पद, 300 पद, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हम नियम संशोधन करके अलग कैडर बनाएंगे या कुछ और करके समायोजन कर देंगे या ब्रिज कोर्स करा के तुमको वो कर देंगे। हम ये चाहते हैं कि 2013 से लगे हुए संविदा सहायक रेडियोग्राफर को 800 पद में से 300 पद रिजर्व करके ब्रिज कोर्स करा के बैकडोर एंट्री करा के हमारा समायोजन किया जाए, हमारी यही मांग है अनुभव के आधार पे। सर, जैसे धरना प्रदर्शन आज से आपने शुरू किया है, तो क्या रणनीति रहेंगी इस धरना प्रदर्शन में कि सरकार को जगाने के लिए किस किस तरीके से आप धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए मैम, हम चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हम यहीं अनिश्चितकाल के लिए धरना देंगे और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी हम यहीं रहेंगे, खुले आसमान के लिए रहेंगे। सबने टेंट तान रखा है, हम वैसे रजाई गद्दे वैसे कुछ भी नहीं रखा हमने। हम हमारी जो भी मांग है ना, हम हमारे तरीके से पूरा करेंगे। ये हमारे साथी जो लैब टेक्नीशियन लगे थे, समान योग्यता है, समान और एक ही आदेश से लगे थे और एक ही योजना है, मुख्यमंत्री सुशल जांच योजना। उनके लिए तो ये एलए की पोस्ट पे उनको समायोजित कर दिया, और हमारे लिए 2013 से लगे हुए हम, हमारे लिए कोई भी रास्ता नहीं किया समायोजन का लिए। हमारी मांग यही है कि हमको भी जिस प्रकार लैब टेक्नीशियन को एलए की पोस्ट पे समायोजित किया है, उसी प्रकार हमारे को भी सहायक रेडियोग्राफर की पोस्ट पे समायोजन करे। नमस्ते मैडम, मैं अशोक कुमार पांडे, संविदा सहायक रेडियोग्राफर, 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत कार्य कर रहा हूँ। हमारी यूनियन काफ़ी दिनों से प्रयासरत है, हमारे साथ पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ने न्याय प्रदान नहीं किया है। हमारे साथ में जो बंदे लगे हुए थे 2013 से, लैब टेक्नीशियन, एक ही लेटर एड के आधार पर हम दोनों की ज्वाइनिंग हुई थी। उनके नियमों में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने हाल ही में संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की उद्घोष किया है, और उसमें जो भी नियम है उनमें शिथिलता प्रदान करते हुए सभी संविदा कर्मियों को परमानेंट करने की जिम्मेदारी भी ली है। तो उसी मुहिम के तहत हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से प्रयोगशाला सहायक का एक नया कैडर इन्होंने बनाया, नियमों में संशोधन किया, शिथिलता प्रदान करते हुए उन भर्ती को क्लियर करते हुए उनको ज्वाइनिंग सरकारी समायोजन में दे चुके हैं, उसी आधार पर संविदा रेडियोग्राफरों को भी एक बार नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए आगामी जो भी भर्ती आ रही है उसमें 300 पद रिजर्व रखते हुए हमारे अनुभव को आधार मानकर ब्रिज कोर्स करवा कर हमको भी समायोजन दिया जाए। 300 पद हमारे अनुभव के लिए और संविदा रेडियोग्राफरों के लिए रिजर्व रखी जाए, सबसे बड़ी मांग तो हमारी यही है। और शाम दाम डन पर जिस कोई सी भी रणनीति हो, लेकिन हमारे जो साथ अन्याय हुआ है पूर्ण रूप से हमें न्याय प्रदान करें और हमको सरकारी सेवा में समायोजन देवें, यही हमारी सरकार से। 2013 में संविदा सहायक रेडियोग्राफर की हमारी भर्ती की थी, वो ये मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की, जन कल्याण योजना के लिए चालू की गई थी। उसमें हमने अच्छी तरह मेहनत करके और खूब साथ दिया है, लेकिन अभी जो परमानेंट का समय है उस समय हमारे को भर्ती से बाहर कर रहे हैं, और कोरोना काल में हमने 2 साल तक लगातार कोरोना में सेवाएं दिए, और अब जब एमएलसी वगैरह कर रहे हैं, और कोरोना काल में जितनी भी हमारे जो कोशिश थी पूरी की है, और जो कोरोना का टाइम भर्ती निकाल के इन्होंने हमारे को नियुक्ति से बाहर कर दिया गवर्नमेंट ने, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे को समायोजन दे। मैं जितेंद्र कुमार साहू, संविदा सहायक रेडियोग्राफर, मेरी सरकार से यही मांगे कि एक ही लेटर पे हमारे को कंप्यूटर ऑपरेटर, एलए और संविदा सहायक रेडियोग्राफर के रूप में लिया गया था, मैन पावर के रूप में, लेकिन सरकार हमारे साथ दुबात करते हुए
एलए की तो पोस्ट क्रिएट करते हुए उनको 10वीं और 3 वर्ष का अनुभव देते हुए उनको समायोजन कर रही है, लेकिन उसी योजना में हम भी लगे हुए हैं और हमारे को ये कह के हटा दिया जाता है कि यहाँ पे परमानेंट भर्ती आ गई है, अब आपको यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन मैं सरकार से ये कहता हूँ कि कोरोना में काम हमने किया है, दो दो तीन तीन महीने तक हम घर नहीं गए, और ये जो प्रदेशाध्यक्ष ये बने हुए हैं अतलाराम जी चौधरी और अर्जुन सिंह जी शेखावत, ये इनकी मिली भगत है सरकार से, और ये अधिकारियों से इनकी मिली भगत है। इन्होंने कोरोना कोरोना करके पूरी वैकेंसियाँ क्रिएट करा दी, लेकिन हमारा अभी तक इस भर्ती इन इतनी भर्तियाँ हो गई, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हर भर्ती में कम से कम 50% पद खाली जाते हैं, रिक्त जाते हैं। लेकिन मेरी सरकार से मांग यही है कि हमने कोरोना में काम किया, हम क्या इंसान नहीं है? इंसान यही है जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनका आरपीएमसी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब अनुभव के आधार पर अगर आप भर्ती ले रहे हैं तो मेरी सरकार से यही मांग है हमारी कि हमें भी अनुभव के आधार पर हमारा समायोजन किया